एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो, सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रद्युम्न, सुडो पैराटेक्स और एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर। और आज हम लोग बात करेंगे क्या होगा अगर आपका जीमेल आईडी हैक हो जाए या फिर गूगल अकाउंट हैक हो जाए तो इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो भैया सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे अपने फीडबैक देना ना भूलिए कमेंट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आप कभी किसी साइबर कैफे में जाते हो या फिर किसी फ्रेंड के पास जाते हो, अपनी आईडी लॉगिन कर देते हो या फिर कहीं भी कुछ आईडी लॉगिन वगैरह किसी दूसरे फोन में करते हो, तो ऐसे में की लॉगर्स भी वहाँ यूज हो सकते हैं जिसके थ्रू आपका आईडी पासवर्ड चुराया जा सकता है। अब की लॉगर क्या होगा, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो भैया देखिए, आपका आईडी पासवर्ड वहां पे जब लॉगिन हो गया तो आप तो सोचोगे कि चलो ठीक है, किसी को पता भी चल गया तो क्या दिक्कत है, एक आईडी पासवर्ड ही तो है जीमेल का। लेकिन ऐसे में गूगल के कुछ हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जो आपको शायद नहीं पता हो, और ऐसे में भैया कुछ ऐसे ऐसे फीचर होते हैं जो आप नहीं जानते हो लेकिन आपके आईडी को डायरेक्टली वो इफेक्ट करते हैं। किसी को अगर आपका जीमेल का आईडी पासवर्ड मिल गया, आपको लगेगा कि आपके लिए वो एक छोटी सी चीज़ है, जीमेल आईडी पासवर्ड ही तो है, कहीं फेसबुक का अकाउंट और कहीं इंस्टाग्राम का अकाउंट तो नहीं ना है, तो उससे क्या दिक्कत होगी। लेकिन ऐसे में जो जीमेल का अकाउंट होता है उससे लिंक होगा एक गूगल फोटोज़। अब भैया जब गूगल फोटोज़ आपका लिंक होता है, जैसे ही कोई जीमेल आईडी लॉगिन करता है उसके थ्रू गूगल फोटोज़ में जाके आपकी सारी फोटो की एक्सेस ले सकता है, सारी फोटो लाइन से देख सकता है। अब गूगल की सारी फोटोज तो आपकी पूरी गैलरी के एक्सेस उसको मिल गया, अब एक तरीके से गैलरी की तरफ से तो आप हट गए। अब दूसरी चीज आती है कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट उसको मिल जाती है। अब जैसे ही कोई अगर गया आपके गूगल आईडी से लॉगिन हुआ तो वहां पे सेक्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट का, उस पर क्लिक करता है तो आपके फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स उसके पास चले जाएंगे। तो भैया ये भी दूसरी चीज होती है कि भैया कॉन्टैक्ट से भी आप थोड़े सतर्क रहिए, कॉन्टैक्ट भी आपके जा सकते हैं। तीसरी चीज आती है आपके टू डू लिस्ट। आप बहुत बार गूगल कीप वगैरह में अपने लिस्ट बना के रखते हैं, कोई पासवर्ड बना के रखता है, कुछ करके रखता है, तो भैया ऐसे में जो आपके पासवर्ड हैं और जो टू डू लिस्ट में है चीज़ें वो भी वो देख सकता है। चौथी चीज़ पासवर्ड, गूगल के सेटिंग में जाके वहाँ पे जो भी आप फ़ोन में अपने पासवर्ड सेव करते हो तो आपका भैया उस समय गूगल अकाउंट वहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है स्मार्टली सारे पासवर्ड अपने पास रखता रहता है ऑटो लॉगिन के लिए। तो भैया किसी को आपका गूगल का आईडी या पासवर्ड मिलता है तो वो क्या करेगा, जाके डायरेक्ट सेव पासवर्ड में जाके देखेगा तो वहाँ पे भैया उसको सारे पासवर्ड के लिस्ट मिल जाएंगे जिसको आपने अपने फ़ोन में सेव किया हो। तो ऐसे में भैया आपका जीमेल अकाउंट गया तो भैया फेसबुक के पासवर्ड का सेव किया होगा, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सारे पासवर्ड उसको तुरंत मिल जाएंगे। ये हुई चौथी चीज। पांचवी चीज क्या हुई, वो गूगल अकाउंट से जाके आपका लाइव लोकेशन ले सकता है, आप कहां पे हो, क्या कर रहे हो, फोन में आपका गूगल के थ्रू लाइव लोकेशन के लोकेशन ऑन करके आपका लाइव लोकेशन ले सकता है। तो पांचवी चीज भैया यहां पे लोकेशन गया, फोन का आपका गूगल फोटोज गया, फिर आपका कॉन्टैक्ट गया, फिर आपके सारे सेव्ड पासवर्ड गए और आपके टू डू लिस्ट गए और बहुत सारी गूगल की लाइक ड्राइव फैसिलिटी है। आप कॉल रिकॉर्डिंग यूज़ करते हो तो गूगल पे, गूगल के ड्राइव पे ऑटोमेटिकली वो अपलोड होती है, ठीक है। जब भैया ड्राइव पे वो चीज़ें अपलोड होती हैं तो ऐसे में उसके पास ईमेल आईडी पासवर्ड तो ड्राइव को भी एक्सेस करा है। तो भैया छठवीं चीज़, ड्राइव भी आपकी गई। तो भैया ऐसे में कुल मिला जुला के गूगल के जितने भी सर्विसेज हैं बस एक अकाउंट से हैंडल होते हैं। अब तो एक नॉर्मल चीज़ हुई थी भैया कि आपकी आईडी से ये सारे चीज़ एक्सेस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उससे ज्यादा क्या होगा कि वो आपके फेसबुक पे गया, अगर आपने पासवर्ड नहीं सेव किया तो उसने आईडी डाली, गलत पासवर्ड डाला, फॉरगेट पासवर्ड करके आपके जीमेल के थ्रू आपका अकाउंट रिकवर करके फिर भी आपका रिकवरी जीमेल भी चेंज कर सकता है। तो एक तरीके का आपका पूरा फेसबुक उठ के उसके पास कंट्रोल में गया और फिर उसके बाद आपका पूरा कंट्रोल ही हट गया उसके ऊपर से, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो दूसरा रिकवरी ईमेल पे जाएगा, तो भी आपका फेसबुक भी गया और बहुत सारे सर्विसेज अगर आप यूज करते हो तो वहां से भी आपका आईडी जो भी है डेटा वो है डिलीट किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के गूगल आज के दिन एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया और वो कंट्रोल होता है एक आईडी से। अब ये एक आईडी पासवर्ड किसी को पता चला तो वो सारी चीज़ें आराम से कंट्रोल कर सकता है। अब ऐसे में सवाल उठ के ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे भैया इतनी सारी चीज़ें हो रहे हैं तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, अगर अकाउंट किसी के पास भी है तो भैया खुद को उससे कैसे बचाएं। तो जो भी चीज़ें मैं आपको तुरंत अभी बताता हूं, पहले क्या करना है, हमेशा अपने गूगल अकाउंट में जाना है। लैपटॉप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा, या फिर फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल अकाउंट में डायरेक्ट आप जा सकते हैं, जीमेल के थ्रू या फिर कहीं भी गूगल अकाउंट में आप डायरेक्ट जाइए, वहाँ पर चेक करिए कौन कौन सी डिवाइस लॉग इन है। जैसे आपने वहाँ पे लिस्ट देखी तो भैया वहाँ पे क्या करिए, जो डिवाइस अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं फिर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें आईडी लॉगिन नहीं होनी चाहिए, उसको तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। ये आपने साफ सफाई यहाँ पे कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आप क्या करिए, टू स्टेप वेरीफिकेशन हमेशा ऑन करके रखिए। ये क्या होता है टू स्टेप वेरीफिकेशन, अब एक नया एडवांस मेथड है जो आपको हमेशा ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखेगा। इसमें क्या होता है टू स्टेप वेरीफिकेशन में जब भी कोई नई डिवाइस आपके आईडी को लॉगिन करेगी
तो हमेशा आपके ऊपर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा कि इज दिस योर डिवाइस यू वांट लॉग इन, तो भैया आप वहाँ पे अगर येस करते हो तो भैया लॉग इन हो जाएगा, नो करते हैं तो लॉग इन नहीं होगा। ये फायदा है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। तीसरा चीज, हमेशा अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पासवर्ड है प्रद्युम्या तो मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैं क्या करूँगा has@PRA_DUM has@Y ऐसे करके कुछ अटपटा पासवर्ड रखिए जो कि आपको हमेशा याद रहे, या फिर कहीं एक डायरी वगैरह में उसको लिख लीजिए और उसके बाद करिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक को भी रोकता है। पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है, हमेशा हर एक एक महीने पे अपनी आईडी पासवर्ड चेंज करते रहिए। क्यों? क्योंकि भैया एक बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं तो आपका छोटा सा जीमेल अकाउंट है वो तो हैक ही हो सकता है। तो ऐसे में कुल मिला जुला कि ये निकलता है कि अगर आपको सिक्योर रहना है तो हमेशा आपके आईडी पासवर्ड को अपडेट करना रहना होगा। आपके गूगल अकाउंट में जाके लिस्ट चेक करिए, लिस्ट चेक करने के बाद वहाँ पर जो भी पासवर्ड आपने अपडेट किए पासवर्ड को जो भी चेक करते रहिए, उसको नया नया अपडेट करते रहिए, अपडेट करते रहिए। टू फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन मैंने पहले बताया आपको, हमेशा इनेबल करके रखिए। तो भैया ये कुल मिला जुला के थी कैसे अपने अकाउंट को सिक्योर रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी आपको चाहिए, भैया एकदम ही सिक्योर होना है, तो आपको आती है कुछ गूगल की स्मार्ट की या फिर पासवर्ड की। वो क्या होता है, कुछ एक पेनड्राइव की तरह की होती है जो कि आपको दो या तीन की मिलेगी। वो जब भी आप आईडी लॉगिन करेंगे हमेशा आपको की चाहिए होती है। जब तक की नहीं लगाओगे, आपने पासवर्ड सही डाला, ओटीपी भी डाल दिया, जब तक की नहीं लगाओगे तो भैया वो लॉकिंग नहीं होगा। तो एक तरीके से जो एडवांस सिक्योरिटी लेवल होती है वो बढ़ जाती है। टेक्निकल गुरुजी ने इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया था, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी वीडियो देख लेगा, बहुत अच्छा उन्होंने समझाया। टेक्निकल गुरुजी का जो वीडियो है उसको देख के मुंबई का निखिल ने भी इस चीज़ को लाइक अपने वीडियो में इंप्लीमेंट किया था अपने चैनल पर। तो भैया एक बहुत ही सही चीज़ है, आप इसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। कि अगर आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो इसको जरूर कहिएगा। तो भैया ये थे कुल मिला जुला कि कैसे जीमेल अकाउंट हैक हो सकता है। एक जीमेल अकाउंट हैक हुआ तो कितनी सारी एक्सेस किसी को मिल सकती है। तो भैया पूरी वीडियो में मैंने यही बात की, आशा करता हूँ कि इसके बाद आपका जो जीमेल अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा और भैया हमेशा आप टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से अपडेटेड रहेंगे। ऐसी सारी वीडियोज देखने के लिए मेरे पास चैनल में बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं, तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे कॉमेंट करके हमेशा अपने फीडबैक दिया करिए। और अगर तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए रोज की तरह इंटरनेट पे बी से बी सिक्योर।